उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शोभा अग्रवाल पत्नी राम गोपाल अग्रवाल 30 साल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट सपोर्ट देकर जीत हासिल कराने वाली कर्मठ सदस्य शोभा अग्रवाल रही, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारियों के इशारे पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और प्रदेश के स्तर के पदाधिकारियों ने शोभा अग्रवाल को खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिखित में आश्वासन दिया, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के आसार पर टिकट नहीं दिया गया। और तब शोभा अग्रवाल ने 17 अप्रैल को सर्ववैश्य समाज को बुलाकर राय जानने के बाद नामांकन दाखिल किया और अब उन्हें भी बरगलाया जा रहा है और शोभा अग्रवाल को लाखों रुपए देने की बात भी कही गई है, लेकिन शोभा अग्रवाल किसी के साथ गद्दारी करना सीख ही नहीं है। साफ शब्दों में कहा है कि अब चुनाव मैदान में आ गए हैं तो वोट भी पड़ेगी और मतगणना भी होगी और जो भी होगा वो 13 मई को होगा। तो आइए सुने क्या कहा माया शिवहरे ने और नगर के लोगों ने। तो आइए देखते हैं अनिल कुमार के सरवानी की कवरेज फतेहपुर से। गदा के निशान पे थप्पा मारो तान के, गदा के निशान पे। अब जिसका खून लिखा हुआ खून नहीं वो पानी है, जिसका खून